अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू विल फाइन। बेटा आज हम स्टडी करेंगे सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, अब इसको हम फर्दर सेकंड ऑर्डर में लेके जाएंगे, सेकंड ऑर्डर या उससे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। वो उनमें वो किस तरह से होती हैं और उनके सॉल्यूशंस किस तरह से फाइंड आउट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उनके डिफरेंट काइंड्स का, उनकी जनरल या स्टैंडर्ड नोटेशन का। जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में होती है, यानी डी यानी उसमें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, जो भी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इसमें जो आपके पास ये पी वन और पी टू हैं, ये इसको आप कोफिशेंट्स कहते हैं, और जो राइट साइड पे यानी क्यू हैं और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो एक्स के फंक्शंस हैं। और अब ये वाली जो टर्म है जो कि इक्वेशन वन है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म की फर्दर दो डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें दो जो मेजर टाइप्स हैं उनको, एक होती है होमोजेनस और एक उसी होती है नॉन होमोजेनस। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से हो कि उसमें जो राइट साइड पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम ये इक्वेशन देखें इक्वेशन टू, इसमें राइट साइड जीरो होगी, तो इट मीन्स टू से दिस इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनस इक्वेशन, या इसको हम रिड्यूस या कम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। इसी तरह अगर राइट साइड पे कोई फंक्शन आ जाए तो इसको हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये है नॉन होमोजेनियस। अब देखें इसी तरह अगर हम देखें कि ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये बेसिकली क्या है सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसमें राइट साइड पे जीरो है। अगर आप देखें हम इसका सोल्यूशन बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस वन। अगर पी वन और पी टू दोनों कांस्टेंट होंगे तो हम उनको कहेंगे कि वो कांस्टेंट इक्वेशन वन को कहेंगे कि उसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं। नाउ मूव ऑन टू द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस टाइप ऑफ जनरल इक्वेशंस। अब सोल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल का, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन है और उसका किसी इंटरवल आई में फॉर एग्जांपल आप सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन आप लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल, वो सोल्यूशन है इस फॉर्म में वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स, और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी दैट हैज़ वाई डैश इज इक्वल टू फाइव डैश ऑफ एक्स, यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, यानी सेम एज इट इज़ इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अब उसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में हम कोई हम सोल्यूशन देखते हैं और वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हमने शो करना हो कि वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स प्लस एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस फोर वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास गिवन क्या है कि वाई डबल डैश प्लस फोर वाई इज इक्वल टू फोर एक्स, हमने बिकॉज वी हैव टू शो दैट के वाई इज इक्वल सी वन प्लस कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स प्लस एक्स, इसको हमने शो करना है कि ये इसका सोल्यूशन है, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे सेकंड डेरिवेटिव लेंगे जो ओरिजिनल गिवन ही क्यों उसमें पुट करेंगे, पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया इज फोर एक्स। तो यू हैव टू आप जो इक्वेशन गिवन थी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए, यानी इक्वेशन में भी राइट साइड पे यही था वाई डबल डैश प्लस फोर वाई इक्वल टू फोर एक्स, यहाँ पर भी राइट साइड पे फोर एक्स था, यहाँ पर भी राइट साइड पे फोर एक्स आ गया, सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो इट मीन्स टू से कि ये इसका सोल्यूशन है। नो हम मूव करते हैं कि आपके पास सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बेसिकली यानी उसी तरह से ये जो कि हम सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स टू से इसमें एक सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आपके पास कंडीशंस गिवन होंगी, यानी आपके पास जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी। अब वो कंडीशन किस तरह से होंगी वो डिफाइन करती हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ कंडीशन कुछ इस तरह से हैं कि दोनों यानी दोनों कंडीशन एक सिंगल पॉइंट पे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि आपके पास जो इक्वेशन है
ये वाला पूरा सिस्टम, इसको हम कहेंगे कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू बी, यानी दोनों कंडीशन एक सिंगल पॉइंट एक्स नॉट पे हैं गिवन, तो ये हम दिस इज एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। चूंकि उसका डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर का है तो हम कहेंगे दिस इज सेकेंड ऑर्डर और ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। अब इनिशियल कंडीशन आर यूज्ड टू डिटरमिन द यूनिक वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी इनिशियल कंडीशंस को हम फिर फर्दर यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने कर सकते हैं। नाउ हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेकंड ऑर्डर लीनियर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि हम इनिशियल कंडीशन जो गिवन होंगे उनको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वही इक्वेशन है वाई डबल डैश प्लस फोर वाई इक्वल टू एक्स, और हमने शो करना है कि ये इसका, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लें ये इसका सोल्यूशन है, तो हम ये सी वन और सी टू कोई भी जनरल कोई भी रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब अगर ये दोनों कोई कॉन्स्टेंट्स हैं और हमने सोल्यूशन प्रूव करना है, तो फिर क्या करेंगे हम दोनों इनिशियल कंडीशन को यूज़ करेंगे। फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या है कि वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, यानी अगर हम इस फंक्शन में वाई जो हमने सपोज किया है इसमें हम जीरो पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, वन। अगर हम फर्स्ट ये वाली कंडीशन पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन को सॉल्व करने से वैल्यू कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज सी वन इज इक्वल टू वन। अगर हम इसी का यही जो हमने सॉल्यूशन सपोज किया है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, आफ्टर टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव पे कंडीशन क्या है कि जीरो पुट करने से आंसर क्या आना चाहिए, सेवन। तो अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करके उसमें जीरो पुट करते हैं, इसको सेवन के इक्वल उसको सपोज करते हैं, तो उसको सॉल्व करने से आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, और इसी इक्वेशन से आप सी टू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी टू की वैल्यू आ गई 3। तो अब सी वन और सी टू की वैल्यू जो ये वाला सोल्यूशन था इसमें आपने पुट की, पुट करने के बाद तो आपके पास ये बन गया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या है। अब दिस इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में एक बेसिक मेजर डिफरेंस ये है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो कंडीशंस गिवन होती हैं वो दोनों कंडीशन एक सिंगल पॉइंट पे गिवन होती हैं, लेकिन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या है कि जो कंडीशंस गिवन होती हैं वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे गिवन होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेम उसी तरह से क्वेश्चन वाई डबल डैश प्लस पी वन वाई डैश प्लस पी टू वाई इज इक्वल टू क्यू, और वाई वन वाई ऑफ पी वन इज इक्वल टू एंड वाई ऑफ पी टू इज इक्वल, यानी दोनों कंडीशन बेसिकली दो डिफरेंट पॉइंट्स में, तो इसको हम कहेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब अगर आपने कोई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो बेसिकली सेम वही मेथड है, हम जो भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उसके लिए जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सब देखेंगे, और उसमें जो बाउंड्री वैल्यूज कंडीशंस हैं वो पुट करेंगे, और पुट करने से जो आंसर बनेगा और जो सोल्यूशन आएगा उसको हम वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इक्वेशन है वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई ऑफ जीरो टू है, और यानी ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आपके पास कंडीशन गिवन है, इसको ये बेसिकली आपके पास चूंकि दो डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यू कंडीशन गिवन है तो आपके पास ये बनेगी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बन गई, हम इसका भी हमने इस तरह से वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, या आपने इसका सोल्यूशन सपोज कर लिया। अब चूंकि ये आपने सपोज किया कि ये इसका सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे कि सी वन और सी टू की आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो आप ये कंडीशन यूज करेंगे, जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, टू, वो कंडीशन पुट करेंगे तो सी वन की वैल्यू यहाँ से टू आ जाएगी। अगर हम पाई बाई टू वाली कंडीशन पुट करेंगे तो यहाँ से सी टू की वैल्यू आ जाएगी, सी वन की वैल्यू टू, सी टू की वैल्यू -3। आपने इस वाई ऑफ एक्स वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, आफ्टर पुटिंग इन दिस इक्वेशन आपके पास सोल्यूशन बन गया वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स -3 साइन एक्स। अब ऑपरेटर, इसके बाद फर्दर और है कि ऑपरेटर नोटेशन, अब वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपने अभी पढ़ी है, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना है। तो अगर हमने ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना हो, फॉर हम सपोज करते हैं कि डी बाई डी एक्स को आप कैपिटल डी के इक्वल सपोज करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या बनेगा, डी वाई, और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स ये बेसिकली डी स्क्वेयर वाई बन जाएगा। तो आप ये वाली जो आपके पास सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप बेसिकली डी की फॉर्म में लिखें, तो हम कहेंगे कि ये इसी इक्वेशन की ये ऑपरेटर नोटेशन है। तो इन दिस वे आप किसी भी फंक्शन को भी ऑपरेटर नोटेशन में पुट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे डेफिनेशन है कि लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी ऑपरेटर को देखना होगा वो लीनियर है या नहीं है, तो उसके लिए आपके पास कंडीशन क्या है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लीन ऑपरेटर है एल, हम कहेंगे ऑपरेटर एल इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर इफ फॉर कॉन्स्टेंट दो, जो फॉर एग्जाम्पल दो आपके पास दो कॉन्स्टेंट है C1 और C2, और आपके पास जो फंक्शन है y1 of x y2 of x, तो हम इस ऑपरेटर को लीनियर कहेंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता करता हो। इट मीन्स टू से कि एल ऑफ C1 y1 + C2 y2 = यानी वो आपके पास जो कांस्टेंट है वो फंक्शंस के स्टार्ट में आ जाएंगे। तो हम ऐसे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो तो दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। अब अगर आपने प्रूव करना हो कि फॉर एग्जांपल अभी हमने जो ऑपरेटर डिफाइन किए हैं d या d² या कोई एफ ऑफ डी फंक्शन है, तो हमने इसको लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है, तो हम जस्ट सिंपली देखते हैं कि अगर वो कांस्टेंट उनमें बाहर आ सकते हैं, अगर आ सकते हुए हैं तो फिर हम उनको कहेंगे तो दैट ऑपरेटर्स आर कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रूव करना है वो डी को कि डी आपके पास ऑपरेटर जो है वो लीनियर ऑपरेटर है, तो फिर क्या करेंगे, ये डी ऑफ C1 y1 + C2 y2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास C1 और C2 स्टार्ट में आ गए, तो इट मीन्स टू से कि ये ऑपरेटर लीनियर है। इसी तरह अगर हम d² ऑपरेट करेंगे किसी इस तरह से फंक्शन पे, ये ऑपरेट करने के बाद भी आपके पास ये इस फॉर्म में बन गया, तो हम इसको कहेंगे ये आपके पास अगेन लीनियर ऑपरेटर है। अब अगर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट क्या है कि आपने इस फंक्शन को देखना है कि ये फंक्शन लीनियर ऑपरेटर है या नहीं है। अब आप सारे के सारा वो फंक्शन इस पे अप्लाई कर देंगे, ये वाला फंक्शन इसके इक्वल है, ये वैल्यू पुट करें, इसको सिंपलीफाई करें, आफ्टर सिंपलीफिकेशन यू विल हैव द आंसर जो कि इस फॉर्म में होगा। C1 एफ ऑफ डी स्टार्ट में आ गया, इस तरह एफ ऑफ टी यहाँ पे C2 में भी स्टार्ट में आ गए, तो ये जो बेसिक कंडीशन है वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो चूंकि बेसिक कंडीशन इससे सेटिस्फाई हो गए, तो ये आपके पास ऑपरेटर क्या हो गया, लीनियर ऑपरेटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, कि हमने फॉर एग्जांपल प्रूव दैट y1 of x and y2 of x आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर, देन अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से हो तो फिर क्या होगा कि आपके पास जो ये इस तरह से सॉल्यूशन बनेगा, इसको हम कहेंगे कि ये वाला जो एफ ऑफ ये वाली जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब सेम इसी को हम फर्दर डिफरेंट हायर ऑर्डर्स के लिए भी फर्दर देखेंगे या प्रूफ करेंगे।